नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं कीर्ति सिंह, जिनका हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएचए 2022 में सिलेक्शन हुआ है और कीर्ति ने अपने दूसरे प्रयास में 95 रैंक जो है सिक्योर की है। मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र कीर्ति जी आपको कंग्रेचुलेट विश करूंगा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर। कीर्ति, सिलेक्शन आई थिंक आपका दूसरा अटेम्प्ट है। जी सर। मीडियम क्या था आपका? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से दूसरा अटेम्प्ट। जी सर। तो पहले अटेम्प्ट में कहां तक पहुंच गए थे? सर मैंने इंटरव्यू दिया था 2018 में। जी सर, मैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कुछ नंबर से मैं रह गई थी। तो अब सिलेक्शन के बाद कैसे लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और मम्मा पापा बहुत खुश हैं, फैमिली में सब बहुत खुश हैं। तो बस एक ही है कि सेटिस्फेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है मेरा। सफलता अब आपको मिली है, लेकिन इससे पहले असफलता मिली। जी सर। इन दोनों में क्या फर्क है? सर सफलता और असफलता में बस ये अंतर है कि आप बस एक ब्रिज होता है, आप उस पार जब चले जाते हो तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो एक मेहनत करी थी और मम्मी पापा का जो एक सेक्रीफाइस था, मेरा सेक्रीफाइस था, वो पूरा हुआ और बस अब तो सफलता ही है सर। अब आगे आगे और भी मुकाम आएंगे तो उनको भी सफलता पूरी। अच्छा कीर्ति, हमारे सारे व्यूअर्स जो टारगेट फॉर आईक्यू को फॉलो करते हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी सर। तो आप अपने बारे में हमें विस्तार से बताइए, अपने एकेडमिक कैसा रहा आपके और फिर ये जज बनने का जर्नी कब से स्टार्ट किया? सर मेरी ज़्यादातर जो स्कूलिंग है वो 9th से 12th क्लास तक ही वो गाज़ियाबाद में हुई है। ओके। और उसके बाद मैंने देहरादून UPS कॉलेज से लॉ करा है अपना। और उसके बाद सर मैंने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर क्योंकि 2018 में मेरा यूपी का नहीं हुआ था और मैं यूपी ही स्टेट फोकस थी, तो सर इससे ये हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मैं नहीं हो पाई, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे दूसरे स्टेट्स पे भी फोकस करना चाहिए। तो सर फिर मैंने दूसरे स्टेट्स की भी दिए, मैंने मेंस भी काफी दिए हैं। कौन कौन से स्टेट? सर मैंने बिहार दिया है। अच्छा। सर फिर मैंने यूपी का भी दिया था, एपीओ का भी दिया था और एमपी का भी दिया था। सर फिर कहीं कभी मेंस क्लियर होता था, कभी प्रीलिम्स क्लियर होता था, तो सर सक्सेसफुल नहीं हो पाई उसमें। फिर कोरोना काल आ गया, फिर 2020 से तो फिर सब कुछ ही वैकेंसीज भी नहीं आई। तो फिर उसके बाद उसी दौरान मैंने अपना एलएलएम पूरा करा, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम करा है। फिर 2022 में एपीओ की वैकेंसी आई यूपी की, फिर मैंने सर वो दिया और विद गॉड ग्रेस और मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें, मेरे को 55 रैंक मिली थी। एंड फिर उसी के साथ साथ सर फिर यूपी की वैकेंसी आ गई दिसंबर में, देन आई। पहले साथियों, कीर्ति जी का जो सिलेक्शन है यूपी एपीओ जो 2022 का था उसमें भी इनका सिलेक्शन हो चुका है, तो एक के बाद बैक टू बैक अब इन्हें सफलताएं मिलती जा रही है। अच्छा कीर्ति, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन वाले मोड पर। जी सर। और फिर हमें ये बताइए कि आपने यूपी जुडिशरी ही क्यों डिसाइड किया पहले, फिर ये होता क्या है और फिर इसमें आपकी क्या क्या रणनीति रही प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर और फिर इंटरव्यू को लेकर? सर यूपी जुडिशरी सर क्योंकि मेरा मेन फोकस यूपी ही था, क्योंकि पहले तो मेरे पापा खुद एक जुडिशियल ऑफिसर हैं और मेरे पापा के साइड में ज़्यादातर पूरा बैकग्राउंड जो है वो लॉ से ही है, कोई लॉयर है, कोई मेरे खुद के चाचा हैं वो एपीओ हैं यूपी में ही। तो शुरू से ही मेरी जो इंटरेस्ट था वो यूपी के लिए ही था। तो फिर समय रणनीति अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ये था कि मैंने यूपी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है सर वो होता है सर जीएस का। आपको जीएस अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, लॉ के साथ साथ आपको जीएस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना आप लॉ को दे रहे हैं। सर जीएस के लिए सर जैसे प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में ये है कि हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है और सर फिर उसके बाद थोड़ा साइंस भी हमें देखना पड़ता है और करंट अफेयर्स तो सर आता ही है, तो सर वो पूरा 1 से 1.5 साल तक का जो कंटेंट होता है। सर जीएस के लिए हिस्ट्री सर मैंने करंट अफेयर्स में हिस्ट्री में मैंने घटना चक्र रेफर करी थी और सर जब एपीयू की वैकेंसी आई थी तो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करा था, तो सर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई थी और वो जो रिवीजन था सर जो आपका, आप डेली बेसिस पे पहले आप रिवीजन कराते थे उसके बाद फिर आप क्लासेस शुरू करते थे, तो हिस्ट्री सर मेरा उससे काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हुआ। और मैंने घटना चक्र से सर मैंने सारे क्वेश्चंस जो उसके MCQs होते हैं वो सब मैंने मतलब उसके करे। और सर अगर आप घटना चक्र कर लेंगे ना तो आपको कम से कम 3 बार तो उसको लगाना पड़ेगा, तो आपको मतलब पता लग जाएगा जैसे जब भी क्वेश्चन आएगा
एग्जाम है, तो आप देख सकेंगे कि आप मार्क कर देंगे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मोस्टली सब वेटेज घटना चक्र का होता है उसमें। और फिर आपकी क्लास से मुझे उसका अच्छे से बिग बेस तैयार हो गया सर, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी भी अखिलेश सर ने पढ़ाया था तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और सर अखिलेश सर के चक्कर में मेरा यूपी का जो मेंस का जो पोर्शन था ज्योग्राफी वाला वो बहुत अच्छे से मैंने आंसर किया जी सर सर, क्योंकि सॉइल से एक दो क्वेश्चन बने थे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर से बने थे, तो वो अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। प्यारे साथियों, कीर्ति जी 2020 से टारगेट फॉर आईक्यू के जीके जीएस बैच का हिस्सा रही हैं, और इन एपीओ में भी इन्होंने हमारे जो टारगेट फॉर आईक्यू के बैचेस हैं वो भी इन्होंने लिए थे। अच्छा कीर्ति, ये बताइए आप हमें कि जीएस की कितनी बड़ी रिलेवेंसी है एक सिलेक्शन, खासकर यूपी जैसे स्टेट में? सर अगर हम जीएस को एकदम निगलेक्ट कर देंगे तो सर हमारा सिलेक्शन यूपी में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जीएस का वेटेज सर उतना ही है जितना हम लॉ को देते हैं। यूजुअली लॉ के बच्चे लॉ ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं और जीएस से थोड़ा सा भागते हैं, क्योंकि हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है जल्दी। तो हमें ये है कि हमें डेली बेसिस में जीएस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम लॉ को देते हैं। तो आप अपना टाइम शेड्यूल वैसे ही डिटरमाइन करें कि 4 घंटे आपको जीएस पढ़ना है, उसके बाद आप लॉ पढ़ें। अच्छा चलिए, तो जीएस पेपर को लेकर अब बात कर लेते हैं लॉ पेपर की। लॉ के लिए आपके क्या क्या सोर्सेज रहे, कैसे प्रिपरेशन की, क्या तरीका था? सर लॉ मैंने कंप्लीट करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने दिल्ली बेस्ड कोचिंग से अपनी पढ़ाई करी, जिसमें 1 से 1.5 साल लगा सर। उसके बाद सर मैंने कोचिंग के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाए, और अपने नोट्स सर जैसे जो कोचिंग में पढ़ाते थे उसके साथ मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए कि अच्छा कौन सा जो टॉपिक है उसके सेक्शंस हो गए, कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ हो गया, एक लैंडमार्क केस लॉ तो लिखना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे अगर हम टाइम डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें पकाला नारायण स्वामी वो बहुत लैंडमार्क केस है, तो वो लिखेंगे तो उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। और साथ साथ जो लेटेस्ट केस हैं सर, अगर हम एक उसको ऐड करें लॉ में तो उससे हमारा एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है हमको लॉ के पेपर। लॉ के लिए बस हमारे सभी साथियों को बताइए केवल एक कीवर्ड में कि भाई अगर लॉ पेपर के लिए ये काम कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू यू। सर प्रीलिम्स में आपको बेयर एक थरो होनी चाहिए, क्योंकि सर जैसे मैं 2018 के टाइम की बात करूं तो पहले कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही होते थे बैरक में भी जो प्रीलिम्स से पूछे जाते थे, लेकिन उसके बाद आफ्टर 2020 उत्तराखंड के पेपर में हो गया या एमपी के पेपर में फॉर दैट मैटर हो गया, सर पूरी बैरक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो आपको थरो प्रीलिम्स के लिए तो पूरी बैरक करनी पड़ेगी। उसके लिए आप एमसीक्यूज लगाइए और साथ बाय साथ मतलब आप जब तैयारी, सर मैंने एक तो ओपी त्रिपाठी दी थी जो यूपी की और उत्तराखंड फोकस्ड है, उसके बाद से मैंने सिंगल्स की लगाई, सिंगल्स की जो वॉल्यूम्स हैं अमेरिका से 3 से 4 वॉल्यूम्स आती हैं तो वो मैंने करी, तो उससे प्रीलिम्स आराम से। हाँ जी प्रीलिम्स आराम से। जब प्री आपने एग्जाम दिया आपको पता लग गया था कि मैं मेंस हो जाएगा? हाँ जी सर, मतलब ये एक बच्चे के अंदर खुद आप समझ जाएंगे, जब आप प्रीलिम्स देकर आएंगे ना बाहर निकलेंगे तो आपको अंदर से पता लग जाएगा कि हाँ मैं उस पार हूँ कि इस पार हूँ। अच्छा। तो जी सर, क्योंकि यूपी का पेपर तो वैसे भी लॉ का पेपर इजी था, इस बार जीएस का थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आपका लॉ भी ठीक हो गया था इस बार तो काफी लोगों ने क्लियर करा था। अच्छा अच्छा, चलिए अब प्रीलिम्स आपका, तो व्हाट अबाउट मेंस? मेंस की स्ट्रेटजी आपकी पहले से तैयार थी, ऑल्दो आप मेंस लिख चुकी हैं 2-3, तो यूपी जुडिशरी के समय पर जब मेंस था मतलब प्रीलिम्स के बाद उसकी क्या रणनीति रही और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि भाई पहले मेंस की तैयारी पहले लेके चलें या फिर आफ्टर प्रीलिम्स करें? सर अगर जैसे अगर जो नए बच्चे हैं ग्रेजुएशन के बाद तुरंत तैयारी कर रहे हैं, सर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर, मेरी भी ये गलती थी कि मैंने मेंस की तैयारी पहले करनी शुरू करी थी। प्रीलिम्स पे ये था कि प्रीलिम्स पे आपको पूरी बैरक करनी होती है, तो हम जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हम कुछ जो चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स के हिसाब से वो हम नहीं कवर कर पाते हैं, और फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर बहुत ज़्यादा ही इतना कम टाइम बचता है कि आप फिर सारी पूरी बैरक अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी है तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप साइड बाय साइड रोज आप प्रीलिम्स का तैयारी करें, कुछ समय आप प्रीलिम्स को दें, बैरक पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए डेली बेसिस पे, 200 से 300 आप एमसीक्यूज करिए, उसके बाद आप मेंस पे फोकस करिए। एज ए मेंस का भी ये होता है कि आप जैसे कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं तो उसमें आप
पूरा जैसे आप जब आपने सपोज एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया तो आप आंसर राइटिंग का ज़्यादा फोकस करिए उसमें भी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो फिर वो चीज़ नहीं होगी जब तक आप उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे। तो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस, और आंसर राइटिंग आप डेली बेसिस पे करिए, कम से कम दो आंसर्स तो रोज़ लिखिए। ओके अच्छा, क्या आपने जब मेंस लिखे जी, तो मेंस लिखते वक्त खासकर वो मेंस जिनमें आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए जी सर, उस वक्त आपको क्या रियलाइज हुआ कि यार ये काम और बेहतर हो जाता तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता जी सर। मेंस में 2018 का अगर मैं बताऊं आपको, यूपी में सर मेरा पेपर शूट किया था, क्योंकि पेपर मेरे ख्याल से 22 से 23 दिन के बीच में हो गया था रिजल्ट आने के बाद, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद। सर मेरी वैसे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी थी, मतलब आई वॉज वेरी गुड इन आंसर राइटिंग सर, बट टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करना सर वो मेरा मिस हो गया था, और उसी के चक्कर में सर मेरा प्रोसीजरल लॉ के मेरे 2.5 क्वेश्चन छूटे थे, 2 क्वेश्चन पूरे छूट गए थे, और आधा क्वेश्चन मैं सीआरपीसी का करते करते मैं रह गई एक सर, वो मेरी गलती थी। और सर मेरा जीके भी थोड़ा सा उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था, अदरवाइज मेरा अगर पेपर पूरा होता तो आई वुड हैव क्लियर उसी समय। तो फिर ये कि आप आंसर राइटिंग करते समय सर आप टाइम बाउंड मैनर में अगर हम लोग करेंगे तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसी वो मेंटल प्रेशर जो होता है ना 3 घंटे का सर, वो जब हम पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर हम एग्जाम टाइम पे नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। अच्छा लो, आप कीर्ति जी मुझे बताइए केवल एक कीवर्ड में जी सर, ऐसा क्या है कि अगर मेंस के लिए ये काम करते रहे तो मेंस निकालने में आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी? सर मेंस की तो सर आपको डेली तैयारी करनी ही है, और सर मतलब जैसे मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग इज द की, आप डेली आंसर राइटिंग करिए, और उसके साथ साथ आप हर हफ्ते, मतलब अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसके साथ हफ्ते में 2 बार आप 3 घंटे का पेपर जरूर लिखिए, तो उससे आप काफी स्ट्रॉन्ग और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तेरे साथियों कीर्ति जी बता रहे हैं कि मेंस के लिए आप टाइम बाउंड मैनर में रहते हुए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और सप्ताह में अगर समय है तो पीवाईक्यू सॉरी जो आपके प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन आए हैं तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल पेपर की तरह। अच्छा चलिए, ये तो आपका लॉ पेपर्स का हो गया, फिर लैंग्वेज पेपर के लिए क्या क्या? सर लैंग्वेज में सर जैसे ऐसे वगैरह होते हैं, और अब तो इस बार हिंदी भी हो गया था, एंड लकीली सर यूपी एपीयू में हिंदी का काफ़ी वेटेज था, तो उससे मुझे जुडिशरी के पेपर में बहुत हेल्प हुआ। तो उसके क्या क्या सोर्सेज रहे और कैसे तैयार? सर मैं हिंदी का अगर बताऊं तो हिंदी में सर जैसे एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है, दृष्टि की भी आती है, सर मेरे पास 2-3 बुक्स थी क्योंकि मेरी छोटी बहन भी तैयारी कर रही थी, सर मैंने उसी से ही एसेज पढ़े, और फिर करंट अफेयर्स सर जैसे टॉपिक्स हैं वो रेलिवेंट जो था तो उनको मैंने इंक्लूड करके अपने आंसर्स लिखे, और ये करने की कोशिश करी कि जो भी मैं ऐसे लिखूँ या जो भी मैं टॉपिक पे ऐसे लिखूंगी, सर मैंने 10 से 12 टॉपिक्स मैंने देख लिए, सर हर एक टॉपिक का मैंने एक कोटेशन जरूर मतलब अपने पास रखा था कि ये अगर आएगा तो मैं कोटेशन में जरूर लिखूंगी, मैंने ऊपर भी लिखा था, और सर मेरे लास्ट में एंड करते समय भी मैंने कोशिश करी कि मैं कोटेशन जरूर लिखूं जी सर। अब ये भी नहीं है कि सर हम हर बीच बीच में कोटेशन लिख रहे हैं, हर पैराग्राफ के बाद कोटेशन लिख रहे हैं, 1 से 2 होने चाहिए, तो मैंने हिंदी के में भी सर ट्राई करा था और इंग्लिश में भी ट्राई करा था, तो मैंने 8 से 10 टॉपिक्स दोनों के लिए कोटेशन के साथ तैयार करे थे। पेपर के लिए सर मेंस में तो सर जैसे मेरी तैयारी थी मेंस की पहले से ही, तो मैंने अपने शॉर्ट हैंड्स बना लिए थे, मैंने क्या करा था सर जैसे A4 शीट पेपर होता है वो मैंने फोल्ड करा उसको, और उसमें कोशिश करी कि एक A4 शीट पेपर में 4 से 5 टॉपिक्स कवर हो जाए, उससे मेरे शॉर्ट हैंड्स बन गए थे। हाँ सिनॉप्सिस टाइप के, उसमें केस लॉ हो गया और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स वो किसके बनाया सर रिवीजन सॉर्ट ऑफ के लिए, मतलब कि एंड द मोमेंट आप ज्यादा रिवाइज हां, क्योंकि मुझे 2018 में आधे में ऑलमोस्ट सारी अपने नोट्स ले गई थी, मतलब जब मेरा लेकिन वहां पे रिकॉल ही नहीं कर पाया, रिकॉल सर रिकॉल तो हो गया था लेकिन रिवीजन करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, आपके पास एग्जाम में जब आप वापस आते हैं तो 4 से 5 घंटे मिलते हैं, तो उसमें आप सब कुछ नहीं कर पाते, तो अगर आपके पास शॉर्ट हैंड्स रहेंगे तो आप उनको बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे, तो मैंने ऑलमोस्ट सबके लिए इस बार करा। तो आपने पहले से इसके लिए मेंटल प्रिपेयर थे? हां सर मैं रिवीजन करती थी ना, तो मैं अपने नोट्स बनाती रहती थी कि मतलब ठीक है, मैं खुद ही सोचती थी अच्छा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ये बताइए ज्यादा पढ़ना ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए या लिखना ज्यादा जरूरी है? सर दोनों ही ज्यादा जरूरी है, आप अगर जब तक पढ़ेंगे नहीं और फिर आप लिख नहीं पाएंगे, मतलब अगर जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट है आपने उसको समझ लिया, लेकिन अगर आप
लिख नहीं पाएंगे तो उसका कोई फायदा तो है नहीं, तो आप आंसर राइटिंग भी करिए, आप अपने शॉर्ट हैंड्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। उसके साथ साथ सर ये भी जरूरी है कि आप जैसे मेंटल रिवीजन करिए किसी भी टॉपिक का, या आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मेंटल रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप पढ़िए, और सर मैं ही करती थी, मैं 5 दिन पढ़ती थी और सैटरडे संडे मैं रिविजन करती थी, जो मैंने पूरा 5 दिन करा है। तो सर क्योंकि रिविजन इज द की, हम जब तक एक सब्जेक्ट को 2 से 3 बार अगर उसको नहीं रिवाइज करेंगे तब तक फिर हम मेंस में आंसर नहीं लिख पाएंगे। वेरी गुड। अच्छा कीर्ति, ये तो हो गया आपने मेंस के बारे में, आपने बता दिया कि रिवीजन ही सबसे बेस्ट की है आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए। जी सर। मेंस देने के बाद आपको लग गया था कि भाई इंटरव्यू कॉल होने वाली है? सर मेरा जीके का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैं शुरू से ही जैसे एपीओ भी मैं कर रही थी तो साइड बाय साइड एग्जाम हो गए, तो मेरी पकड़ अच्छी थी जीएस में। और फिर जो नए लॉज जो हुए थे सर, वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिए थे दिसंबर जनवरी में। मतलब मैंने उस समय जब प्रीलिम्स की पेपर था तो मैंने उसको मेंस के हिसाब से ही पढ़ लिया था कि मतलब मैं मेंस का आंसर लिख पाऊँ, और लकीली 50 से 60 मार्क्स का जीके आ गया था जो लॉज थे। तो सर जीके का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद सर मेंस के जितने भी लॉ के पेपर थे वो भी अच्छे हो गए थे, बस थोड़ा सब्सटैंटिव क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो एक आता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अदरवाइज ठीक हुए थे सारे पेपर। तो यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेंस तो क्लियर हो जाएगा। अब मेंस का रिजल्ट आ जाता है जी, तो आपके दिमाग में अब इंटरव्यू का चलता है, और अभी आप इंटरव्यू फेस कर चुकी थी, तो फिर उसके लिए क्या प्रिपरेशन की मॉक दिया, या फिर उसके लिए क्या रणनीति रही आपकी? सर इंटरव्यू के लिए सर एक दिन में तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर नहीं पाएंगे, तो इट इज़ अ प्रोसेस। जब आप तैयारी ही करते हैं तो आपको उस हिसाब से ही सोचना है कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे बनना ही है जुडिशियल ऑफिसर। तो आपको उस प्रोसेस के दौरान ही आपको यू हैव टू एक्ट लाइक अ जुडिशियल ऑफिसर, लाइक आपके क्या मैनर्स होंगे, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होगा। तो आप 1 से 2 दिन में तो आप सीख नहीं पाएंगे, आपका मेंस क्लियर हो गया उसके बाद 10 से 15 दिन में वो सीख नहीं पाएगा, कोई भी सीख नहीं पाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको शुरू से ही अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखना है जो मतलब आपको लगे कि आपकी पर्सनैलिटी है जुडिशियल ऑफिसर के लिए। अच्छा, मॉक देना कितना जरूरी है? सर बहुत जरूरी है मॉक देना। जब तक आपको आपकी गलतियां नहीं पता चलेंगी तो फिर आप उसको इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो सर मैंने मॉक्स, मैंने 2-3 मॉक्स दिए थे सर, आपके यहाँ से भी मैंने दिए थे मॉक्स, और मैंने अदरवाइज भी मैंने दिए हैं। तो मॉक्स देना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको अपनी गलती पता चलेगी, और अब जब आपको 3 से 4 लोग बैठ के आपको बताएंगे, आपको जज करेंगे इंटरव्यू के दौरान, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं कितना प्रॉपर बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो चीज़ है। तो मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मॉक हो गया, फिर आप रियल इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर इस बार जैसे मैंने एपीओ का भी इंटरव्यू दिया था और इसका भी जुडिशरी का भी दिया था, सर दोनों ही बोर्ड मेंबर्स जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। सर जुडिशरी में तो जो मेरे बोर्ड मेंबर थे उसमें चारों ही इनफैक्ट जो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जज थे वो बहुत कॉर्डियल थे, बहुत काइंड थे, तो बहुत अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, कोई याद आ रहा है? जी सर इंटरव्यू सर मेरा प्रॉपर लॉ बेस्ड तो नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि अच्छा ये वाला सेक्शन क्या बोलता है या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सब बहुत जनरल था। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप अपना कैरियर कैसे डिफाइन करेंगे, क्या आप कर रहे थे, तो मैंने बताया सर मैंने LLM करी है बीच में, और हाल ही में मेरा एपीओ में भी हुआ है। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट जज ने पूछा कि अच्छा जो अभी रिसेंटली हुआ है, मैंने कहा जी सर उसमें ये चीज़ हुई है। बाकी सर 1 से 2 क्वेश्चन थे लोक अदालत के बारे में कि आप लोक अदालत के बारे में क्या जानती हैं, और क्या वो जो डिग्री होती है लोक अदालत की जो अवार्ड होता है उसको अवार्ड बोलते हैं सर, तो वो अपीलेबल है कि नहीं है। तो मुझसे ये जो कमीशन के मेंबर हैं उन्होंने मुझसे पूछा था, एंड सर मैंने जवाब दिया कि नहीं सर जो अवार्ड होता है वो अपीलेबल नहीं होता है, जो पार्टीज हैं उनके पास रेमेडी नहीं होती है करने के लिए। तो सर तो वो बहुत एडमेंट हो गए इसके लिए कि आपको आर यू श्योर कि मतलब ये अपीलेबल नहीं होता है, मतलब पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड तो वो कहाँ जाएंगी। तो मैंने सर लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने लाइव लॉ में पढ़ा था कि जो लोक अदालत के अवार्ड्स होते हैं वो इट इज़ जनरली नॉट अपीलेबल, इट इज़ नॉट अपीलेबल, बट सर्टेन सर्कमस्टांसिस में आप पिटिशन डाल सकते हैं 226-227 टू दी हाई कोर्ट। तो एक क्वेश्चन ये था सर, एक लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर था, ओपिनियन बेस्ड सर ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड थे मेरे। तो ओके, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि एक इंटरव्यू का एक फिक्स सिलेबस है, फिक्स सिलेबस कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मुझसे लॉ से रिलेटेड ज्यादा पूछा नहीं उन्होंने, सब ओपिनियन बेस्ड ही पूछा था। ओके, तो ये था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। जी सर।
सफलता आपको मिल गई है तो घर का माहौल कैसा है? सर सब बहुत खुश हैं, पापा मामा बहुत प्राउड हैं, पापा सबको मतलब सबके कॉल्स अटेंड कर रहे हैं तो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हाँ बेटी का सिलेक्शन हो गया है। बहुत मेहनत मैंने भी करी और साथ में मामा पापा ने भी बहुत मेहनत करी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का क्या था, मतलब आप रिजल्ट आने से पहले का मोमेंट क्या था, रिजल्ट आने के बाद का मोमेंट क्या था? सर क्योंकि 30 तक उसको रिजल्ट आया था और लोग बात कर रहे थे, जैसे एपीओ ग्रुप में भी बोल रहे थे कि 3 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छा हाँ आज रिजल्ट आ रहा है। फिर 5:30 मेरे ख्याल से 5:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया था, तो फाइल आई गई थी ग्रुप पर। फिर मैंने देखा तो मतलब मैंने सोचा मैं अपना नाम ऐसे स्क्रोल करके देखती हूँ कि हाँ शायद, मैंने लास्ट से शुरू करा था सर, मुझे लास्ट के 6-7 पढ़ने में अपना नाम दिखाई नहीं, तो मैं एकदम ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं अंदर अकेले कमरे में चली गई थी, मैंने किसी को बताया नहीं अच्छा रिजल्ट आ गया। तो जब मैं एक बहुत परेशान हो गई अच्छा मुझे अपना नाम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने डायरेक्टली सर्च पर टाइप करा अपना नाम, फिर मैंने देखा कि अच्छा हाँ कीर्ति सिंह लिखा तो है, और फिर रोल नंबर चेक करा कि वही है, फिर रैंक भी 95 है, तो फिर मैंने सबको बताया सब, और फिर रक्षाबंधन का टाइम था तो सभी घर पे थे, तो सब बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, मतलब किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा? सबसे ज़्यादा तो मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट करा हर एक चीज़ में, मतलब पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा हर एक उन्होंने भी करा और मैंने भी करा सर। उसके बाद मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, और फिर भगवान जी का तो आशीर्वाद सलूशन था ही। बिल्कुल। अच्छा आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं जितने भी मान लीजिएगा कोई फ्रेशर है उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर अगर आप तैयारी में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं तभी आप शुरू कर रहे हैं इस चीज़, क्योंकि ये जर्नी कुछ समय की नहीं होती है, आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है, कुछ लोगों को उससे ज़्यादा भी समय लग जाता है, तो आपको अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़, और ये अगर ये एग्जाम मैं शुरू करूँ तो मेरे लिए ही बना है, खुद पर विश्वास रखें फिर भगवान पर विश्वास रखें, विश्वास ही सबसे बड़ा इसमें योगदान रहता है। अच्छा अभी बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया जी सर, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ, ऑब्वियसली जितनी वैकेंसी होना तो उतनी गई, जिनका नहीं हुआ उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपका नहीं हुआ था तो आप इस पेन को समझ सकते हैं जी सर। सर आप बिल्कुल भी मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप हताश मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अगर पहला नहीं हुआ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आप दूसरे स्टेट्स में ट्राई कर सकते हैं, बस अपने आप पे भरोसा रखिए कि अगर अभी नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर होगा, और अपनी गलतियों को हमें देखना चाहिए कि कहाँ गलती थी जो मैं उसको नहीं कवर कर पाई, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको कवर करूँ। सर अपनी मिस्टेक्स देखना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में, अगर आप उसको आप एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर वही गलती रिपीटेडली होंगी, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट्स बेटर कि हम अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें। वेरी गुड। एनी सुझाव, एनी सजेशन फाइनल लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर आपने तो मुझे एपीओ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और आपने तो पहले ही बोल दिया था कि एपीओ में भी आपका होगा, और जब मैंने मॉक इंटरव्यू जुडिशरी का भी दिया था तो फिर आपने सर आप ही ने बोला था कि कीर्ति जी आपका आपको 4th-5th पेज से नीचे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपको अपना नाम ऊपर ही दिख जाएगा, वो चीज़ मुझे सर याद थी उस समय, तो मैं बहुत खुश हुई कि मैंने अपना नाम 4th पेज पर ही देख लिया था, तो फिर जब आपका कॉल आया था मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, तो सर थैंक यू फॉर दैट। एंड जैसे मैंने तो आपके मेंस में भी मैंने एपीओ मेंस में मैंने आपको बहुत आपने सपोर्ट करा था उस समय भी, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा टारगेट फॉर IQ को एज ए ऑनलाइन अगर आप देखें तो उसका क्या, उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सब लोग ऑफलाइन अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, हर जगह कहीं कोई और सिटी में है, कोई शहर के गांव में है, तो सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि एज सच कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप हर टाइम हर समय अवेलेबल थे, जैसे अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम के अलावा भी अगर हम आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे थे तो आपने उस चीज़ को सपोर्ट करा, तो और सर टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं सर, जैसे आपका तो GS बहुत अच्छा है ही है, अखिलेश सर का भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सर आई जस्ट विश कि आपका बहुत आगे सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच कीर्ति। थैंक यू सर। एंड प्यारे साथियों हमारे साथ थे कीर्ति सिंह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जिनकी रैंक मैंने अभी आपको बताई है 95 है, सेकंड अटैम्प में इन्होंने प्राप्त किया है, सिलेक्शन इससे पहले 2-3 मेंस दे चुके हैं अदर स्टेट के। एंड कीर्ति जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं, एंड
कीर्ति जी हमारे लिए मिठाई लेके आई थी, मैंने इनसे इंटरव्यू में बोल दिया था इसलिए, एंड मैं आपको अपनी तरफ से ये आपको देना चाहूंगा एंड भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू।